नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये दो लाइन का बॉर्डर बना लिया है। अब हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। बॉर्डर के बाद हम पहली लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, यानी दूसरी लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन दिया। तो हमने दो लाइन बुन लिया। अब हम एक लाइन और सीधा सीधा बुनेंगे। सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे, यानी बॉर्डर के बाद हमारा ये तीसरा लाइन है। तो तीसरी लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए और ये हमारा चौथा लाइन है। तो अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और दूसरे कलर के उनसे हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और इस थ्रेड को हम ऐसे लपेटते जाएंगे। सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है, इस थ्रेड को हम ऐसे लपेटते जाएंगे। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। अभी हमें इस फंदे को गिराना नहीं है। अब ऊन को हम दूसरी तरफ करेंगे और फिर इन्हीं दोनों फंदों में बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमने दो से दो फंदे बना लिए। अब फिर हम उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और फिर दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर हमें इस फंदों को घुराना नहीं है, उनको दूसरी तरफ करेंगे और इन्हीं दोनों फंदों में बैक लूप से एक सीधा फंदा। उन अपनी ओर, दो फंदों को एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर उन दूसरी ओर, फिर इन्हीं दोनों फंदों में बैक साइड से एक सीधा फंदा। दो फंदों को लिया, उल्टा बुना, फिर इन्हीं दोनों फंदों में बैक साइड से एक सीधा फंदा। तो दो फंदों से हमने दो फंदे बना लिए, एक बार उल्टा और एक सीधा। उन अपनी ओर, दो फंदों को लिया, एक बार उल्टा बुना, फिर इन्हीं दोनों फंदों में एक बार पीछे साइड से सीधा। दो फंदों को लिया, एक बार उल्टा बुना, फिर इन्हीं दोनों फंदों में बैक साइड से एक सीधा फंदा। तो हमारे जितने फंदे हैं वापस उतने ही फंदे रह जा रहे हैं, ना एक भी फंदा घट रहा है ना एक भी फंदा बढ़ रहा है। दो दो फंदों से हम दो फंदे ही बना रहे हैं। दो फंदों को लिया, एक बार उल्टा बुना, फिर इन्हीं दोनों फंदों में बैक साइड से एक सीधा फंदा। अब लास्ट फंदा बचा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो हमने पांचवा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और रॉन्ग साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। हमने एक भी फंदा बढ़ाया या घटाया नहीं है, हम अब सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। छठवीं लाइन में
सभी फंदे उल्टे। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए तो हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे, फिर उन दूसरी ओर दो फंदों को, इन्हीं दोनों फंदों में बैक साइड से एक सीधा फंदा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक, फिर उन दूसरी ओर इन्हीं दोनों फंदों में बैक साइड से एक सीधा फंदा, दो फंदों में एक बार उल्टा, फिर इन्हीं दोनों फंदों में बैक साइड से एक सीधा फंदा, उन अपनी ओर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक बार उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर इन्हीं दोनों फंदों में बैक साइड से एक सीधा फंदा, उन अपनी ओर लास्ट में दो फंदे बचे हैं तो इनमें भी हम डिज़ाइन बना लेंगे, एक बार उल्टा, फिर इन्हीं दोनों फंदों में बैक साइड से एक सीधा फंदा। अब हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। और सामने की तरफ से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदों को प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा बुन लेंगे और सामने की तरफ से सभी फंदों को सीधा, यानी प्राइमरी कलर के ऊन से हम चार लाइन बुन लेंगे। तो चार लाइन मैं बुन लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने प्राइमरी कलर के ऊन से चार लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से, दूसरे रंग के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो मैं उल्टा बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ, बताती हूँ आगे क्या करना है। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन दिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब उनको अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे, फिर उनको दूसरी तरफ करेंगे, दो फंदों को, इन्हीं दोनों फंदों में एक सीधा फंदा, यानी हम अपना यही चार लाइन का पैटर्न दोहराएंगे। तो चार लाइन ये और चार लाइन हम अपने प्राइमरी कलर के उनके, इन्हीं आठ लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं आठों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत है। बस हमें ये ध्यान देना है कि जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे और नेक्स्ट दो फंदों को लेकर डिज़ाइन बनाएंगे, यानी दो दो फंदों को लेकर डिज़ाइन बनाएंगे, दो फंदों को लेंगे, एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर उन्हीं दोनों फंदों में सीधा बुनेंगे। और जब फिर दूसरी बार हम डिज़ाइन बनाएंगे, ये हमने पहली बार बनाया, अब जब दूसरी बार डिज़ाइन बनाएंगे तो पहले दोनों फंदों में ही, पहली बार में हमने पहला फंदा स्लिप किया, दूसरे तीसरे में बनाया, फिर चौथे पांचवें में बनाया, फिर छठे सातवें में बनाया। और जब हम दूसरी बार ये डिज़ाइन बनाएंगे
इस वाले लाइन में, तो पहले दूसरे में ही डिजाइन बनाएंगे, पहला दूसरा इन दो फंदों को लेके डिजाइन बनाएंगे, फिर तीसरा चौथा फंदा डिजाइन बनाएंगे। यानी डिजाइन देखिए, दो डिजाइन के बीच में फिर डिजाइन बनेगा, तो इस तरह ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिजाइन बेहद खूबसूरत है, आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बनाइए, आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।